पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नौहट्टा में किया जनसभा। रोहतास जिले के नौहट्टा हाई स्कूल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने किया जनसभा। मंच का संचालन पूर्व जिला पार्षद कमेश्वर राम ने किया। वहीं मंच की अध्यक्षता रामचंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। मंच पर उतरते ही जनता को संबोधित करते हुए सरकार की नाकामियों को निशाने बनाते हुए श्री कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने उचित विकास करने में असफल रही। वहीं शिक्षा व्यवस्था के स्तर की गिरावट को निशाना साधते हुए बताया कि आज शिक्षा नहीं सिर्फ खिचड़ी खाने के केंद्र बनकर रह गई है। वहीं बेरोजगारी पर भी कोई विकास बिहार नहीं हुआ, स्थिति जस की तस बनी रह गई। वहीं नौहट्टा की धरती आज भी विकास को तरस रही है। आप लोग ने 15 साल बड़े भाई को मौका दिया है, फिर 15 साल मझीले भाई को। जनता से अपील करते हुए कहा कि अब की बार आप लोग छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेवारी सौंपिए, फिर देखिए कि विकास की गाड़ी कैसे दौड़ती है। आप लोग चिनारी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं। प्रत्याशी भाई श्याम बिहारी राम जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। मंच पर आसीन रहे महेंद्र राम प्रदेश सचिव अनिल सिंह यादव, कामेश्वर सिंह रोहतास, कपिल कुमार तिलोथू, रविंद्र राम, राम बच्चन, इंद्रदेव, राम प्रवेश सिंह, अमन दास, युगेंद्र कुशवाहा, अली हसन, विनोद सिंह, ओम प्रकाश कुशवाहा, शिव सागर, ब्लिस्टर सिंह, नंदलाल कुशवाहा, विश्राम सिंह, ददन सिंह, अनिल धर्मेंद्र ठाकुर व बहुजन विधायक प्रत्याशी श्याम बिहारी राम। देखिए खिचड़ी खाने खिलाने का काम भी स्कूल में जारी रहना चाहिए। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका पोषण भी जरूरी है। लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ खिचड़ी खाने पकाने से मास्टर साहब को कोई मतलब नहीं। खिचड़ी खाने पकाने खिलाने का काम कोई और एजेंसी करती है, मास्टर साहब का काम है पढ़ाना तो मास्टर साहब पढ़ाने का काम करते हैं। वैसी व्यवस्था बिहार में भी हो सकती है। मास्टर साहब लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निराकरण करना जरूरी है। भाई और बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो मास्टर साहब को वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं दौड़ लगाना पड़ेगा, समान काम के लिए समान वेतन। कहते थे कि अब कहाँ पलायन हो रहा है, अब तो लोगों को यही धंधा मिल रहा है, अब मजदूर नहीं जा रहे हैं। 8,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। कोरोना के समय पता चल गया कि किस तरह से लोग बाहर रहते हैं, वापिस लोग लौटे, किसी तरह से लौट पाए और लौट क्या पाए। कोरोना का संकट आज ज्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर लोग वापिस भी होने लगे क्योंकि यहाँ कोई धंधा ही नहीं। यहाँ न तो रोजगार का इंतजाम है, न बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम है, न अस्पताल में दवाई का इंतजाम है। भाइयों और बहनों, सब कुछ हो सकता है। पहले वाले 15 साल वाले ने नहीं किया, नीतीश कुमार जी को मौका मिला 15 साल इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हो सब कुछ सकता है। जब दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, के परिचित हैं, परिचित हैं। पहले तो इन्होंने हमारी पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने गठबंधन बनाया। जो परिस्थिति बनी उसमें बहुजन समाज लोग मिलकर इनको वोट दे, यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि एक एक कीमती वोट इनको दीजिए, एक एक कीमती वोट दीजिए।